हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता ही चला होगा कि जो हमारा पेपर होने वाला था आज नलकूप चालक का, वो पेपर रद्द हो गया है क्योंकि जो पेपर बना था वो पेपर लीक हो गया था। इसके कारण आयोग ने पेपर को स्थगित कर दिया है, यानी पोस्टपोन कर दिया है। अब पेपर नहीं होगा और आप लोग का समय भी बहुत बर्बाद हुआ। आप लोग बहुत दुखी हैं, आप लोगों का समय भी बर्बाद हुआ है। आप लोग एग्ज़ाम सेंटर भी बहुत सारे बच्चे पहुंच चुके थे, वो वापस आना पड़ा उनको निराश होकर, पेपर नहीं देने को मिला। और काफ़ी गुस्सा है जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, इसमें सिस्टम की कमी है, सिस्टम को और अच्छा करना चाहिए। पेपर लीक होते रहते हैं हमेशा, आए दिन जो भी पेपर आयोजित होता है अधिकतर पेपर लीक हो जाते हैं। ये बहुत ही गलत होता है हम लोगों के साथ जो इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड, कोई बात नहीं, निराश होने की कोई जरूरत नहीं, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। जितने लोगों की तैयारी हो गई थी वो कोई बात नहीं, वो फिर से रिविज़न करें, अच्छे से तैयारी करें और अच्छा स्कोर करेंगे। और जिन लोगों का वीक पॉइंट था वो वीक पॉइंट पहचाने और जितना भी समय बचा है वो अपने सही मकसद में लगाइए और प्रैक्टिस सेट करते रहिए। हम भी आपके लिए मदद करते रहेंगे, हमेशा वीडियो अपलोड करते रहेंगे कंटिन्यूसली आपके लिए। सो फ्रेंड, कोई बात नहीं, आप लोग जो हम वीडियो अपलोड किए थे सुबह, आप लोगों को न्यूज़ दिया था कि पेपर आपका स्थगित हो गया था, उस वीडियो में आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर जो पेपर लीक हुआ है उसको किसी तरीके से हम तक प्रोवाइड कीजिए और उसको सॉल्व करवाइए। सो फिर पेपर मिल नहीं रहा था, किसी तरीके से हमें पेपर मिला है बट वो फोटो कॉपी पेपर मिलने की वजह से बहुत डल हो गए हैं उसके क्वेश्चन, किसी तरह पढ़ा जा रहा है। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए, क्वेश्चन कुछ हद तक क्लियर हो गया है, कुछ हद तक पढ़ा जा रहा है। तो जो भी पढ़ने में समझ में आ रहा है उसको हम सॉल्व कराएंगे। फ्रेंड, अगर गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी। सो फ्रेंड, उसके लिए कॉपरेट कीजिएगा, आप लोगों को पढ़ के अगर समझ में आया तो आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और फ्रेंड, अगर आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि हम क्या ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट करते रहें और भी रिवीजन करवाते रहें आपके, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कैसा पेपर हमारा बना था आयोग द्वारा इस बार परीक्षा के लिए। ये देखिए पार्ट वन है हिंदी का, चलिए हम कवर पेज से बात करते हैं। ये देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये वही पेपर है जो हमारा आने वाला था आज। ये देखिए यहाँ पर किसी ने मेंशन कर रखा था, ये फोटो कॉपी है इसलिए बहुत डल है। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है वो यूपी ट्रिपल एससी नलकूप चालक परीक्षा तिथि 2/9/2018 पद 3200। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका समय लिखा है 1:30। और नीचे बढ़ते हैं आपके, ये देखिए यहाँ पर आपका सिलेबस भी मेंशन है, 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं और 35 क्वेश्चन रीजनिंग और प्रारंभिक गणित का, 60 प्रश्न यहाँ पर दिख रहा होगा अगर आपको, तो 60 प्रश्न आपको दिख रहा होगा ट्रेड से संबंधित। तो ये वही प्रश्न पत्र है जो आज आपका आने वाला था परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया था इसमें। चलिए यहाँ पर देखिए, ये है आपका पार्ट वन हिंदी का, यहाँ पर गद्यांश पूछा गया था। चूंकि हम लोगों को पता नहीं था कि गद्यांश आने वाला है, हमने गद्यांश कराया नहीं था, कोई बात नहीं, अब हमको पता चल गया, हम गद्यांश के कई सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, कई सारे गद्यांश आपको भी सॉल्व करवाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन जो भी पढ़ने में आ रहा था हम पढ़ेंगे। फ्रेंड, गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, मेरी गलती नहीं, पढ़ने में नहीं पढ़ा जा रहा है। ये क्वेश्चन है हमारा, संसार की दो अचूक शक्तियाँ हैं वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही शक्तियां हैं या मैं कुछ भी लिखा है सर, फ्रेंड समझ में नहीं आ रहा है। शब्द की महिमा अपार है, विश्व में साहित्य कला विज्ञान शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं, पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण ना हो। कर्म के बिना वचन व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति महान है पर चिरस्थाई और सातवा, ये पढ़ा नहीं जा रहा है फ्रेंड, कुछ लिखा हुआ है इसमें, इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम छोड़ रहे हैं। शक्ति तो व्यवहार ही है, महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। गांधी का संपूर्ण जीवन इन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे। अब हम अंदाजा लगा के पढ़ रहे हैं फ्रेंड, जो हमें समझ में आ रहा है, हो सकता है कुछ दूसरा ही लिखा हो, लेकिन जो भी समझ में आ रहा है हम आपको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो कहते थे वही करते थे, यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अनेक, यहाँ पर सब फिर ये पढ़ा नहीं जा रहा है, कीर्ति की उपासना की थी क्योंकि कीर्ति का उत्तम निसंदेह प्रभाव होता है, या वे वाणी शाब्दिक शास्त्रों सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी, वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्द कर्मों में था, वे जो कहा करती थी उसे पूरा करके रचनात्मक कार्यों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता
और सफलता प्राप्त की थी। फ्रेंड्स आई होप यही सेंटेंस था, मैंने जो भी समझ में आया मैं आपको पढ़ के सुना दिया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस गद्यांश पे क्या था। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं, इसलिए मैंने इसका इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से क्लियर करके इसको आपको यहाँ अलग से बनाया। ये देखिए क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। ऑप्शन ए है अपनी कार्य कुशलता से, ऑप्शन बी है अपने कर्म एवं वाणी से, ऑप्शन सी है अपनी स्वयं भाव से, ऑप्शन डी है प्रत्येक शक्ति की व्यक्ति की मदद करने की भावना से। फ्रेंड चार ऑप्शन जो भी पढ़ने में हमने पढ़ दिया है आपको, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपने कर्म एवं वाणी से प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, जगत में साहित्य कला विज्ञान और शास्त्र ऑप्शन ए है शब्द शक्ति के रूप में, ऑप्शन बी है शब्द शक्ति का ज्ञान कराते हैं, ऑप्शन सी है शब्द शक्ति के प्रमाणिक रूप हैं, ऑप्शन डी है शब्द शक्ति के पृथक नहीं हैं। ऑप्शन आप लोग भी कमेंट करिए कि कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर दो का जो राइट आंसर हमें समझ में आया है पढ़ने में वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, शब्द शक्ति के प्रमाणिक रूप हैं। क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री नंबर, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी, चार ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए व्यवहार की राजनीतिनी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड, शक्ति है, ऑप्शन बी है व्यवहार भी शक्तिशाली है, ऑप्शन सी है व्यवहार भी एक शक्ति के रूप में है, ऑप्शन डी है शब्द शक्ति एवं व्यवहार दोनों महान हैं। तो यहाँ पर तीन नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार नंबर, गांधी जी की महानता यह थी कि वे ऑप्शन ए सदैव सत्य का सहारा लेते थे, ऑप्शन बी है सदैव हिंसा से अपने आप को दूर रखते थे, ऑप्शन सी है सदैव गरीबों की मदद करते थे, ऑप्शन डी है जो कहते थे वही करते थे। तो यहाँ पर चौथे का जो राइट आंसर ऑप्शन डी से होगा, जो कहते थे वही करते थे। अगर आपने सेंटेंस जो मैं पढ़ रहा था गद्यांश आपने अगर सही से सुना होगा तो वहाँ पे मैंने पढ़ा था, आपको सब पता चल गया होगा कि डी ऑप्शन सही है, जो कहते थे वही करते थे गांधी जी। नेक्स्ट है पाँच नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। अब यहाँ पर दो ही ऑप्शन हमको देखने को मिले इसलिए हम इसका राइट आंसर नहीं बता सकते, लेकिन आपको अनुमान मिल गया कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था गद्यांश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, छः नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। अब ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आया था, एक पैराग्राफ दिया गया था इसमें बीच बीच के वर्ड्स गायब किए गए थे, उन बीच में जो वर्ड आ रहे हैं उसको चार ऑप्शन दिया जाता है, उसमें आपको फिल करना है कि कौन सा सटीक शब्द होगा और आपको पूरा सेंटेंस को यानी एकदम सटीक बताना है कि क्या सही सेंटेंस होगा। चलिए पढ़ते हैं जो पढ़ने में आ रहा है, पढ़ के बताएंगे आपको। आवश्यकता अनुभव होता है, ठीक है, जिसमें हमें हृदय का बात निसंकोच रूप से कह सकते हैं। पारिवारिक मत यहाँ पे भी पढ़ने में नहीं आ रहा है, मतभेदों के कारण पारिवारिक सदस्यों के सम्मुख हम अपने डैश। अब यहाँ पर छः नंबर पर क्या आएगा, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है मनोभाव, ऑप्शन बी है स्वप्न, ऑप्शन सी है विकल्प, ऑप्शन डी है संकल्प। अब यहाँ पर कौन सा सेंटेंस आएगा, तो छः नंबर का जो राइट आंसर निकला है वो है ऑप्शन नंबर ए सही है, मनोभाव को वास्तविक रूप में नहीं रख पाते हैं। आगे है परंतु हृदय तो, ऑप्शन फिर यहाँ पर ब्लैंक है इसको फिल करना है। सात नंबर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए प्रतिवेदन, ऑप्शन बी निवेदन, ऑप्शन सी अनुरक्ति, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। तो सात का जो राइट आंसर हमें पता चला है वो है ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्ति आएगा, कि अभिव्यक्ति के लिए सदा आकुल रहता है। फिर से पढ़ दे रहे हैं, वास्तविक रूप में वही नहीं रख पाते हैं परंतु हृदय तो अभिव्यक्ति के लिए सदा आकुल रहता है। हमें यही समझ में आया है फ्रेंड, इसीलिए हम जो हमको समझ में आया वो आपको बता रहे हैं फ्रेंड। गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है, जो भी हम अनुमान लगा के पढ़ रहे हैं वो आपको पढ़ के बता पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है, वास्तविक रूप में नहीं रख पाते हैं परंतु हृदय तो अभिव्यक्ति के लिए सदा आकुल रहता है। हमारा अंतःकरण के जिससे फिर डैश यहाँ पर फिल करना है। आठ नंबर का ऑप्शन है धुलाव, ऑप्शन बी है दुराव, ऑप्शन सी है विराग, ऑप्शन डी है अनुराग। तो जो हमें क्वेश्चन का आंसर समझ में आया है वो हमें लगता है आठ नंबर का जो राइट आंसर होगा सी सही है इसका, विराग को रखता है जिसके सम्मुख खुल सकता है वही हमारा ऑप्शन। अब यहाँ पर नौ नंबर का फिल करना है, नौ नंबर का ऑप्शन है ऑप्शन ए है सहृदय, ऑप्शन बी सुहृदय, ऑप्शन सी पूज्य, ऑप्शन डी अब ये पढ़ने में नहीं आ रहा इसलिए हम नहीं बता सकते क्या लिखा है ऑप्शन नंबर डी, लेकिन जो राइट आंसर होगा नौ नंबर का वो ऑप्शन नंबर ए सही है सहृदय है। ऐसे मित्र प्रसन्नता पूर्वक बनाए रखे जाते हैं। दस नंबर फिर दस में आगे
फिल करना है आपको। ऑप्शन दिया गया है विप्रयास, ऑप्शन बी है बहुप्रयास, ऑप्शन सी है अनायास, ऑप्शन डी पढ़ने में नहीं आ रहा है फ्रेंड। चलिए 10 नंबर का जो राइट आंसर हमें पता चला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हम बता नहीं सकते हैं कि क्या यहाँ पर सही है, हमें लगता है यहाँ पर बहुप्रयास सही होगा, बहुप्रयास ही मिल जाते हैं, बहुत बहुत ही प्रयास करने पर ही मिलते हैं ऐसे मित्र हमें। सो आई होप हमने अनुमान लगाया क्योंकि पढ़ने में बिल्कुल नहीं आ रहा है फ्रेंड। आप लोग अगर समझ में आया तो हमें राइट आंसर बताइए कि क्या होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर है, अब यहाँ पर टॉपिक चेंज हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन है कमल के समान नयन में समास है, मैंने प्रैक्टिस सेट जो करवाया था टेस्ट पेपर इस सेंटेंस को सॉल्व करवाया है समास के सेक्शन में, कमल के समान नयन में समास कौन सा होता है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, मुझे दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बाकी कटा हुआ है, हमको नहीं प्राप्त हुआ है कि कौन सा ऑप्शन है तीसरा और चौथा, लेकिन हम बता सकते हैं कि कमल के समान नयन में कौन सा समास होता है। कमल के समान नयन में जो समास होता है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 11 का कर्मधार समास होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर अभी ऑप्शन मिल जाएगा इसका, ये देखिए 11 नंबर का यहाँ पर जो हमको देखने को मिला था, ये देखिए कर्मधार ऑप्शन में है यहाँ पर, और यही ऑप्शन सही है इसका। कमल के समान चरण को में कौन सा समास होता है, वो कर्मधार समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे मुझसे हंसा नहीं जाता में वाक्य है, ऑप्शन ए कृतवाच, ऑप्शन बी, अब ये पढ़ा नहीं जा रहा है इसमें कौन से ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका आंसर नहीं बता सकते, लेकिन आपको क्वेश्चन पता चल गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है जो हमने पढ़ाया था आपको मुहावरे में, सागर में गागर शायद आई थिंक यही लिखा हुआ है इसमें, मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, इसमें जो है शब्द पढ़ा नहीं जाना है, छोटी ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, जहां तक है छोटी बात का यहां पर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर जो अर्थ होगा मैं बता दूं आपको, कम शब्दों में बड़ी बात को रखने को ही कहते हैं गागर में सागर भरना, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल नहीं पढ़ने में आ रहा है फ्रेंड, देख लीजिए बिल्कुल हम पढ़ नहीं पा रहे हैं क्या ऑप्शन सही होगा इसमें, लेकिन जो सही उत्तर है मैं आपको बता सकता हूँ एग्जांपल के तौर पर, गागर में सागर का मतलब होता है कि कम बातों में बड़ी बात करना, ठीक है। सो यही आंसर सही होगा, इसमें ऑप्शन पढ़ा नहीं जा रहा था इसलिए राइट आंसर इसका नहीं बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, यहाँ पर चार वाक्य दिए गए थे जो पढ़ने में आ रहे हैं वो पढ़ दे रहे हैं लेकिन राइट आंसर नहीं बता सकते क्योंकि दो ऑप्शन कटे हुए हैं। ऑप्शन ए है चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, दूसरा ऑप्शन है नेताजी भाषण देकर चले गए। अब दो ऑप्शन नहीं पता चल रहा इसलिए मैं राइट आंसर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन का ट्रेंड आपको पता चल गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर 6 नंबर 7 नंबर ये हो गए थे सारे क्वेश्चन हमारे, 1 2 3 4 ये सारे हमने करवा दिए हैं, हमने आई थिंक आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन हमको पढ़ने में हमने सबको आपको बता दिए हैं। अब आपको पता ही चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए थे फ्रेंड्स, अभी आपको जितने आपकी तैयारी करके गए थे बहुत अच्छा सॉल्व करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते थे आप, लेकिन अब और भी तैयारी आप लोग अच्छे से करिए, जो भी समय बचा है आप हमसे कहिए, अगर हम आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कंटिन्यू रखें तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम कौन कौन से टॉपिक पर आप फिर से वीडियो प्रोवाइड करें, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें या टॉपिक वाइज फिर से वीडियो आपको प्रोवाइड करें, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फ्रेंड। और कौन सी नई परीक्षा की हम तैयारी स्टार्ट करें ये भी हमें सजेस्ट कीजिएगा, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि डेली के टेस्ट सीरीज नोटिफिकेशन और ऐसे ही न्यूज़ और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे सभी चीज़ की।